हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करेंगे मोटोरोला के अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में जो कि आपको मिड रेंज सेगमेंट में देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है मोटोरोला की जी सीरीज मार्केट में कितनी सक्सेसफुल रही थी, लेकिन इसके बाद मोटोरोला के स्मार्टफोन्स की परफॉर्मेंस मार्केट में इतनी अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से ये स्मार्टफोन्स फ्लॉप हो गए थे। लेकिन गाइज, मोटोरोला अभी कमबैक के लिए रेडी है और मोटोरोला की तरफ से आपको उनका एक न्यू स्मार्टफोन देखने को मिलेगा जिसका नाम होगा मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस। जी हाँ फ्रेंड्स, ये फ़ोन फाइनली इंडिया में लॉन्च होने वाला है और इसकी लॉन्च डेट है 16 जून। मीन्स ये फ़ोन कल इंडिया में लॉन्च होने वाला है। सो इसी फ़ोन की कंप्लीट डिटेल एंड प्राइस के बारे में बात करेंगे। सो गाइज, इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड अगर आपने मेरा चैनल जुनैद वेली में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, मोटोरोला की तरफ से आपको एक न्यू फ़ोन देखने को मिलेगा मोटो वन फ्यूजन प्लस। एंड जैसे कि आपको पता है मार्केट में रियलमी रेडमी जैसे ब्रांड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, सो इनको कम्पीट करने के लिए मोटोरोला कमबैक कर चुका है अपने मोटो वन फ्यूजन प्लस के साथ। सो अगर इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस IPS पैनल देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, इसमें आपको कोई पंच होल डिज़ाइन या फिर वाटर ड्रॉप डिज़ाइन देखने को नहीं मिलता है, इसमें आपको फुल व्यू डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और ये फ़ोन आता है पॉपअप सेल्फी कैमरा के साथ। और गाइज, अगर आप भी फुल व्यू डिस्प्ले वाला फ़ोन लेने का सोच रहे थे तो आप इस फ़ोन के लिए वेट कर सकते हैं। सो डिस्प्ले वाइज आपका यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होने वाला है मोटो वन फ्यूजन के साथ। एंड अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की, तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 730G प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला एक गेमिंग चिपसेट है, तो इससे आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। सो ये कन्फर्म है गाइस, ये फ़ोन काइंड ऑफ गेमिंग स्मार्टफोन होने वाला है बिकॉज इसमें स्नैपड्रैगन 730G चिपसेट दिया गया है जो कि काफ़ी पावरफुल है। और फ्रेंड्स, ये फ़ोन काफ़ी इजीली कम्पीट कर सकता है पोको X2 या फिर रियलमी 6 प्रो जैसे फ़ोन्स को। और अगर इसके रैम एंड स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज ऑप्शन मिल जाएगा। एंड इसी के साथ आपको माइक्रो SD कार्ड का डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाता है जिससे आप अपना स्टोरेज एक्सपेंड कर सकते हो। सो परफॉर्मेंस वाइज ये फ़ोन काफ़ी कमाल का होने वाला है गाइज, और आपको इसमें गेमिंग, मल्टीटास्किंग एंड अदर हैवी यूसेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और वहीं पे इसके एक और हाईलाइट की बात करें तो यहाँ पे आपको एक क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जिसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस एंड 5 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। और अगर बात करें इसके फ्रंट कैमरा की तो इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको फ्रंट में पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। और गाइस, मोटोरोला इस बार कैमरा पे काफ़ी फोकस करने वाला है बिकॉज मार्केट में कम्पीट करने के लिए काफ़ी सारे स्मार्टफोन ऐसे हैं जिनकी कैमरा क्लैरिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो इस बार मोटो फ्यूजन वन प्लस में भी आपको काफ़ी अच्छी कैमरा क्लैरिटी देखने को मिलेगी। और अगर इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 5000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी और इसी के साथ आपको 15W का एक फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा जो कि आपके फ़ोन को काफ़ी तेज़ी से चार्ज कर देगा। बट गाइज, मोटोरोला यहाँ पे अगर 18W या फिर 22W का फास्ट चार्जर देता है इसके साथ तो मोटोरोला कस्टमर्स के लिए काफी अच्छा हो सकता था, बट इसमें आपको 15W का फास्ट चार्जर मिलने वाला है। और इसकी बैटरी परफॉर्मेंस की बात करें तो वो भी आपको इसमें काफी लॉन्ग लास्टिंग देखने को मिलेगी। सो ओवरऑल बैटरी वाइज भी ये फोन काफी अच्छा होने वाला है। एंड अब बात करते हैं इसके डिजाइन की, तो बैक में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है एंड सेंटर में आपको एक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जिसमें मोटोरोला की ब्रांडिंग है। और इसके बैक के मटेरियल की बात करें तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक मटेरियल देखने को मिलता है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको प्लास्टिक मटेरियल देखने को मिलता है जो कि काइंड ऑफ आपको ग्लास फील देता है। और यहाँ पे आपको बैक में कर्व डिज़ाइन देखने को मिलता है जिससे आपको फ़ोन को होल्ड करने में काफ़ी अच्छी ग्रिप मिलेगी। और इसके फ्रंट डिज़ाइन की बात करें तो गाइज, इसमें आपको कोई पंच होल डिज़ाइन या फिर वाटर ड्रॉप डिज़ाइन देखने को नहीं मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें फुल व्यू डिस्प्ले देखने को मिल रहा है आपको। और गाइज, इस फ़ोन में जो चिन दी गई है वो काफ़ी मोटी दी गई है जिसकी वजह से ये फ़ोन काफ़ी ऑड लगता है। और अगर मोटोरोला यहाँ पे थोड़ा अच्छा काम करता, थोड़ी पतली चिन देता तो यहाँ पे लुक वाइज ये फ़ोन काफ़ी अच्छा हो सकता था। बट गाइज, फिर भी यहाँ पे आपको एक बड़ी अच्छी डिस्प्ले देखने को मिलेगी और इसका व्यूइंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होने वाला है। और इसके अदर फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको 3.5mm ऑडियो जैक भी देखने को मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें आपको 3.5mm ऑडियो जैक देखने को मिलेगा। एंड जैसा कि आपको पता है गाइज, मोस्ट ऑफ द स्मार्टफोन्स में आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं बट 3.5mm ऑडियो जैक देखने को नहीं मिलता है। सो ये काफ़ी अच्छी बात है मोटोरोला ने यहाँ पे आपको इस फ़ोन में 3.5mm ऑडियो जैक भी प्रोवाइड किया है। एंड गाइज, आप बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर की, तो जैसा कि आपको पता है मोटोरोला के फ़ोन्स में आपको एंड्रॉयड 1 देखने को मिलता है जो कि काफ़ी क्लीन UI है और इसमें आपको कोई ब्लोटवेयर नहीं देखने को मिलता है, ये काफ़ी स्मूथ रन करती है। सो गाइज, मोटोरोला वन फ्यूजन का ये भी एक प्लस पॉइंट है कि इसमें आपको एंड्रॉयड 1 देखने को मिलता है। सो सॉफ्टवेयर वाइज उन कस्टमर्स को भी काफ़ी बेनिफिट है जो इस फ़ोन को परचेस करने वाले हैं। सो गाइज, ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा पैकेज होने वाला है मोटोरोला की तरफ से। एंड गाइज, आप बात करते हैं इसके प्राइस एंड लॉन्च की, तो इसका लॉन्च आज ही होने वाला है मीन 16 जून को, तो आप इसका लॉन्च 12 बजे लाइव देख सकते हो। और इसके प्राइस की बात करें तो ये 15-20,000 के बीच में होने वाला है। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही, और आप हमें बताइए आप मोटोरोला वन फ्यूजन के लिए कितने एक्साइटेड
है और इससे रिलेटेड आपका भी क्वेश्चन कोई ओपिनियन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल जुनैद वलीम सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे मिलती रहे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।